वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड आज का हमारा वीडियो है, हमारी सिलाई नहीं हो रही है, ऊपर से भी नीचे से भी नहीं। तो फ्रेंड मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करें, उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है उसी क्लिक करें, ताकि मशीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम मैं आप सभी के सामने लेके आ पाऊँ। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से मुझे हौसला मिलता है वीडियो बनाने में और मुझे अच्छा भी लगता है। और नहीं तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरे वीडियो में लाइक नहीं आ रही है तो मुझे मन नहीं लगता है। तो फ्रेंड चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड, जो हमारा नीचे से और ऊपर से जो धागा सिलाई नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे मशीन के पार्ट है जो ख़राब हो जाने से ऊपर नीचे की सिलाई नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ और मैं आपको उसमें स्टिच करके दिखाऊँगी कि देखिएगा किस तरह से ये हमारा कपड़ा में स्टिच हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले सुई को ऊपर ले लेती हूँ और ऊपर लेने के बाद आप देख रहे हैं जो भी हमारी जो स्टिचिंग हुई है, देखिए आप देख रहे होंगे ये जगह फंस गई है, ये देखिए इस जगह थोड़ी सी भी हमारी स्टिचिंग नहीं हुई है, देखिए इस जगह एक दो बखिया पकड़ी ही है, पर वो स्टिचिंग बेकार है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो तो बाहर निकाल लेंगे, तो इसे हम कट कर लेते हैं। और जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए जिसका फुट है, देखिए ये किस तरह से है, देखिए मैं इसे ऊपर करूँगी, आप देख रहे हैं इसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, देखिए इस तरह से ये उंगली है आर पार हो जा रही है, कि इसकी जो ऊंचाई इतनी नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी ऊँचाई इतनी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस कवर को हम निकालेंगे, ठीक है। तो थ्रेड को पहले बाहर कर लेते हैं और देखिए आप देख रहे हैं ये जो नट दिख रही है, ठीक है, इस नट को हम करेंगे लूज, इस नट को करना है हमें लूज, ठीक है। आज के वीडियो फ्रेंड आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आने वाली है कि वीडियो में क्या हम आपको दिखाने वाले हैं और क्यों हमारा धागा से सिलाई नहीं होता ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। और देखिए हमें क्या करना है, इस फुट को हमें इस तरह से इस घुमाते हुए नीचे की ओर लेके आना, देखिए धीरे धीरे हम इसे घुमाएंगे, ठीक है, ये इतनी ऊंची पे ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये नट मैंने आपको दिखाया था, इस नट को हमें करना है टाइट, ठीक है, ये टाइट हो चुकी है। और हम देखिए आप, अब देखिए ये फुट एकदम मूव नहीं कर रही है, उस समय हिल रही थी, ठीक है, देखिए एकदम हिल नहीं रही है, मैं उंगली से इसे पूरे जोर से दबा रही हूँ पर नहीं हिल रही है, ठीक है। तो फ्रेंड एक ये भी रीज़न होती है हमारे ऊपर और नीचे की सिलाई नहीं आने की, और दूसरा रीज़न तो मैंने आपको बताया था, इस जगह जो हमारा हॉल होता है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस जगह हॉल है, इसमें नट है, जो अगर ये ऊपर हो जाती है तो क्या होता, हमारा धागा नीचे से नहीं आता है या ऊपर से नहीं पकड़ती है और सिलाई नहीं होती है, ठीक है, ये दूसरा रीज़न था, ठीक है। तो चलिए अब इसे कवर को हम लगा के और हम चेक करके देखेंगे कि हमारी सिलाई हो रही है या नहीं भी, ठीक है। तो चलिए इसके कवर को पहले हम लगा लेते हैं, टाइट हो चुकी है, मैं धागा लगा के आपको दिखाती हूँ कि हमारी सिलाई हो भी रही है या नहीं। और धागा मैंने लगा लिया है, अब मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो आप देख रहे पहली वाली जो स्टिच है, दो तीन स्टिच पड़ी हुई है, ठीक है, मैं दूसरी आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देख रहे हैं जो हमारी दूसरी स्टिच है वो एक बराबर से हुई है और इसकी बखिया भी एकदम परफेक्ट है, देखिए नीचे की मैं आपको बखिया दिखा देती हूँ, देखिए नीचे की बखिया और ये हमारी बखिया पीछे के भी एकदम सही है, ठीक है। फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में मशीन की नई प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।